राज्य विश्वविद्यालय और मुक्त विश्वविद्यालय में मार्च में परीक्षाएं। मार्च के पहले सप्ताह में मंडल के चारों जिलों के कॉलेजों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह में आयोजित कराई जाएंगी। अब इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं मार्च के दूसरे सप्ताह में कराई जाएंगी। मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से प्रस्तावित तिथि भी जारी कर दी गई है। रज्जू भैया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश सिंह ने बताया कि सत्र 2021-22 के तहत सेमेस्टर तथा वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। मार्च के पहले सप्ताह में मंडल के चारों जिलों प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ के जिलों के कॉलेजों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसके लिए जल्द ही परीक्षा समिति की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर आगे की तैयारी की जाएगी। इसके बाद परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। जल्द ही परीक्षा तिथि घोषित करने के बाद प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने जारी की प्रस्तावित तिथि। उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं मार्च के दूसरे सप्ताह में कराई जाने की तैयारी है। परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह ने कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह के निर्देश पर प्रस्तावित तिथि भी विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। खास बात तो यह है कि विश्वविद्यालय में प्रवेशित नए एवं पुराने शिक्षार्थियों की जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षा बहुविकल्पी होती है, परीक्षा सत्र 2020 से सामान्य प्रश्न पत्रों की तरफ निबंधात्मक होगी। परीक्षा की समयावधि 3 घंटे होगी। अब यानी बुधवार को परीक्षा के मसले पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आपको यह सब जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं।